नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। हम बात करेंगे पंचायत चुनाव में होने वाले जुलूस और जनसभाओं के बारे में। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई है। चुनाव की अधिसूचना के साथ ही अब उम्मीदवार मतदाता के पास पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि यह पहली बार होगा जब बिहार में ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। आपको बता दें कि 24 सितंबर से बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। इसमें 11 चरणों में मतदान होगा। अब इसको लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। इसमें उम्मीदवारों को किसी हाट बाजार या फिर भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस थाना में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी। सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सभा आयोजन के क्रम में लाउडस्पीकर का प्रयोग हेतु आवश्यक अनुमति सभा से पूर्व प्राप्त करनी होगी। लाउडस्पीकर या फिर हैंड माइक का उपयोग सुबह 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र हैंड माइक के प्रचार मतदान के 48 घंटे पहले शाम के 5 बजे तक ही किया जा सकेगा। आयोग ने कहा है कि बिना लाइसेंस या फिर अनुमति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा में लाउडस्पीकर हैंड माइक का उपयोग किए जाने पर जमादार या फिर उसके ऊपर के कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकेगा। इसके उल्लंघन किए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या फिर जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी या फिर बाधा डालने पर अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न भिन्न उम्मीदवारों द्वारा पास पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हो तो लाउडस्पीकर का जो मुंह है वो विपरीत दिशाओं में रखना होगा। उम्मीदवारों को कोरोना गाइडलाइन का भी है जो कि पालन करना होगा, क्योंकि सभा जो होगी या फिर जब जुलूस आपका होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग उपस्थित होंगे। ऐसे में जो है उम्मीदवार की जिम्मेवारी होगी कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन कराएं। आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा जुलूस में आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरंभ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पहले से जो निर्धारित किया जाएगा, साथ ही इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि आयोग ने यह साफ कर दिया है कि आप जिस समय, तिथि और वो रास्ता जो आप जुलूस और सभा का बताएंगे प्रशासन को, उसमें जो है आप कोई भी फेरबदल नहीं करेंगे। आपको बता दें कि जुलूस का आदेश निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं रास्तों से ले जाए जिसमें कि उन्हें किस पहले से अनुमति मिली है। इस क्रम में इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो। जुलूस को लेकर आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी हाल में जुलूस ऐसे क्षेत्र या फिर रास्ते से नहीं निकाल सकेगा जिसमें कोई निषेधात्मक आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो। यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग पर एक ही समय जुलूस के आयोजन का प्रस्ताव हो तो संबंधित आयोग एक दूसरे के समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था करें कि जुलूस आपस में ना भिड़े। उम्मीदवार को यह भी तय करना होगा कि उनके जुलूस या फिर रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिसको लेकर चलना पहले से ही प्रतिबंधित हो। तो ये आपने सुना कि कैसे रैली और जुलूस को लेकर जो है पूरी तरह से चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर रखा है। इसमें जो है अगर आप उन गाइडलाइनों का पालन नहीं करते हैं तो आप पे जो है दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और कई तरह के जो है नियम जो है अब चुनाव आयोग की तरफ से जो भी जो है जारी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये थे चुनाव के दौरान जुलूस और सभाओं करने को लेकर जो है पंचायत चुनाव के लेकर नया अपडेट। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।